good morning everyone i am rahul gupta welcome to science class please subscribe my channel and press the bell icon in in this video we will discuss chapter 3 adaptation in animals so in this chapter we will cover the topic adaptation in animals living in different habitat adaptation in animals for feeding adaptation in animals for protection clear now let us study firstly gear up look here look at the polar bear in the picture a picture mein dekh rahe hain ye polar bear hai clear it moves around in a snowy region comfortably तो आप यहाँ पे देखेंगे ये जो होता है बर्फीले स्थानों पे बर्फ वाले स्थानों पे ये easily move कर सकता है Clear? कैन यू फाइंड अ पोलर वियर अराउंड यू क्या आप अपने चारों तरफ पोलर वियर को कभी देखें हैं जहाँ पे आप रहते हैं डू यू थिंक इट कैन लीव कंफर्टेबली इन योर सराउंडिंग क्या ये कम्फर्टेबली वो रह सकता है हमारे चारों तरफ तो इसका आंसर क्या होगा नहीं तो क्यों नहीं रह सकता है आप इसका आंसर सर्च करके आप सेंड करेंगे क्लियर वी नो दैट द नैचुरल इन्वायरमेंट वेयर आर लिविंग बींग लिवस इज कार्ड हैबिटेड जो नेचुरल इन्वामेंट होता है जहाँ पर हम रहते हैं क्लियर उसको हम क्या कहते हैं हैबिटेड क्लियर जहाँ पर कोई भी एनिमल्स रहता है क्लियर उसको हम क्या कहते हैं हैबिटेड कहते हैं इफ़ एन एनिमल इज़ टेकिन अवे फ्राम इट्स हैबिटेड अगर उसके अगर किसी एनिमल्स को उसके हैबिटेड से दूर ले जाया जाए और देयर इज़ ड्रेस्टिक चेंज या उसके हैबिटेट को क्या किया जाए चेंज कर दिया जाए तो है द एनिमल में नॉट सर्वाइव वो एनिमल्स क्या कर सकता है सर्वाइव नहीं कर सकता है वो जीवित नहीं रह सकता है अगर उसके हैबिटेट उसके निवास स्थान से अगर उसको दूर लिया जाए या उसका निवास स्थान चेंज कर दिया जाए तो वो मे भी हो सकता है वो क्या हो सकता है वो जीवित नहीं रह सकता है सर्वाइव नहीं कर सकता है मेनी एनिमल्स लाइक डायनासोर जैसे कि कुछ एनिमल्स है जैसे डायनासोर डोडो सेबर टूथ लाइन सेबर टूथ लाइन क्या होता है ये ये लाइन बहुत पहले पाए जाते थे जिनके दांत जो होते थे बहुत लंबे और नुकीले होते थे सेबर टूथ टाइगर ये इस समय अभी नहीं पाए जाते हैं ये पहले पाए जाते थे इस समय तो टाइगर केवल है लायन है लेकिन पहले सेबर टूथ जिसके दांत बहुत नुकीले वो किसी भी बहुत ही डेंजरस एनिमल थे वो क्लियर सेवर टूट टाइगर एसेट्रा हैव बिकम एक्सटेंट ड्यू टू ड्रेस्टिक चेंज ये ड्रेस्टिक चेंज यानी कि क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये क्या हो गए विलुप्त हो गए डायनासोर क्या आपको अभी दिखता है इस समय डायनासोर इस समय तो आप नहीं देख रहे होंगे डोडो भी नहीं देख रहे होंगे सेबर टूट लायन सेबर टू टाइगर ऐसे भी बहुत सारे जानवर हैं जो विलुप्त हो गए अचानक क्यो? क्यों क्योंकि क्लाइमेट चेंज होने के कारण ये क्लाइमेट चेंज होने के कारण क्या हो गए विलुप्त हो गए क्लियर देखिए जैसा फिगर में देख रहे हैं ये डायनासोर है डोडो सेबर टूथ टाइगर क्लियर हैव यू एवर आप फीस लिविंग ऑन ट्री क्या आप कभी सोचा है क्या फीस जो है ट्री पे रह सकता है और स्पैरो लिविंग अंडर वाटर और वाटर के अंदर क्या इस्पैरो रह सकता है कैन दे सर्वाइव इन दिस सराउंडिंग क्या ये इस सराउंडिंग में ये क्या जो फिश है वो ट्रीज पे रह के जीवित रह सकता है क्या इस पैरो वाटर के अंदर रह के जीवित रह सकता है तो इसका आंसर है नहीं वो कभी नहीं रह सकता है क्योंकि उसको उस तरह का एटमॉस्फेयर नहीं मिल रहा है जस्ट लाइक प्लांट्स एनिमल आल्सो डेवलप सम स्पेशल फीचर्स इसी तरह से प्लांट्स एनिमल्स कुछ स्पेशल फीचर्स डेवलप करते हैं सर्वाइव करने के लिए वो अपने अपने इन्वामेंट में इन देयर सराउंडिंग दिस स्पेशल फीचर्स इज कॉल्ड एडाप्टेशन इसी स्पेशल फ़ीचर्स को हम क्या कहते हैं एडाप्टेशन कोई भी एनिमल्स है कोई भी कोई भी प्लांट्स है वो जब तक उसको प्रॉपर प्रॉपर एटमोसफियर नहीं मिलेगा तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता है तो वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए वो कुछ स्पेशल फीचर्स विकसित करते हैं डेवलप करते हैं उन्हीं को हम उन क्या कहते हैं एडाप्टेशन कहते हैं क्लियर नाउ नेक्स्ट टॉपिक एडप्टेशन इन एनिमल्स लिविंग इन डिफरेंट हैबिटेट देर आर सेवरल सेवरल टाइप ऑफ एनिमल्स फाउंड ऑन द अर्थ तो आप देखेंगे अर्थ पे बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं विभिन्न विभिन्न प्रकार के बहुत सारे एनिमल पाए जाते हैं दे आर फाउंड इन एवरी प्लेस अंदर अर्थ के सारे प्लेस पे चाहे ठंडे स्थानों पे हो चाहे गर्म स्थानों पे हो ठीक है तो सारी जगह अर्थ पे पाए जाते हैं राइट फ्रॉम डीप ओशियन डीप ओशियन से लेकर के हाई माउंटेन तक एंड फ्रोजन पोलर रिजर्व और ठंडे स्थानों पे भी वो पाए जाते हैं दी एनिमल्स हैव डिफरेंट फीचर्स इन सारे एनिमल्स के पास डिफरेंट डिफरेंट फीचर्स होते हैं डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी होती है विच हेल्प देम टू लिव कंफर्टेबली वो क्या कर सकते हैं वहाँ पे वो अपने इन्वामेंट में वो अच्छे से रह सकते हैं उनके पास एक स्पेशल फ़ीचर्स होता है कि वो अपने इन्वायरमेंट में अच्छे से रह सकते बेस्ड ऑन देयर हैबिटेट हैबिटेट के अकॉर्डिंग एनिमल्स को कुछ ग्रुप्स में बांटा गया, पांच में गया। है पाँच ग्रुप्स में बांटा गया है पहला क्या है टेरेस्ट्रियल एनिमल दूसरा क्या है एनिमल्स, एनिमल्स एम्फीबियंस एयरबोरियल एनिमल एरियल एनिमल फिर टेरेस्ट्रियल एनिमल इसके बारे में हम क्या करेंगे डिटेल में अगले वीडियो में हम स्टडी करेंगे आज के वीडियो में बस इतना ही मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में